पाकिस्तान में हुए आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, ये सवाल अभी सवाल ही बना हुआ है। इस सवाल का इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से कर रही हैं। यही सवाल जब वायुसेना के प्रमुख बीएस धनुआ से किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा काम टारगेट को हिट करना था, वहां मारे गए आतंकवादियों को गिनना एयरफोर्स का काम नहीं। अगर भारत ने जंगलों में बम गिराए तो पाकिस्तान ने हमला क्यों किया? हमले में कितने लोग मारे गए ये पता करना वायुसेना का काम नहीं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना प्रमुख बीएस धनुआ ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएस धनुआ ने कहा कि हमने अपने टारगेट को हिट किया, वहां कितने लोग मारे गए ये गिनना वायुसेना का काम नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एयर स्ट्राइक के जरिए भाजपा पर जमकर निशाना साधने पर जुटा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जैसे अमेरिका ने ओसामा ऑपरेशन का सबूत पूरी दुनिया को दिया तो वैसे ही सबूत एयर स्ट्राइक का भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब कुर्सी की चिंता किए बगैर आतंकवादियों को, दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाएगा। विपक्षियों को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को हमारे देश की सेना पर ही संदेह है। आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। हम घर में घुसकर मारते हैं, मुझे सत्ता की कुर्सी की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? यही नहीं, पीएम मोदी ने रफाल को लेकर भी विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आज हमारे पास रफाल प्लेन होता तो परिणाम कुछ अलग होता। आतंक के आकाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मन संभल जाए। बालाकोट में मारे गए आतंकवादियों के आंकड़े भले ही अभी साफ ना हो, इन पर सियासत भले ही अभी गरमाई हो, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी है।